एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया, एक चौकीदार को बनाया, एक फकीर को बनाया, उसको मैंने हवाई जहाज दिया, तो क्या कंगना ने दिया था क्या? ये सब अपनी औकात में रहे, अपना मुंह बंद करके रहे। आज वो हेमा मालिनी नहीं है, समझ रहे हो? उसको मैं नहीं जानती, वो है कौन? वो भी बर्तन चौका करे जाके दिखाने जा रही है, दिखावा करने आ जाए, हमारे घर में आ जाए। वहाँ किसान में जाते, हम भी एक महिला है, हम भी परेशान है, हमारे भी हाथ टूटे, आ जाए बर्तन मांज लो आगे। इसके बाप ने अन्न लगाया है क्या? इसके बाप ने अन्न दिया है क्या हेमा मालिनी के, जो किसानों को ऐसे बोलती है? कंगना इसकी खाक पर्सनल क्या है? हम यही समझना चाहते हैं मोदी जी कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है कि कंगना को बॉडीगार्ड क्यों दिए गए? वो देशभक्त नहीं, देश विनाशी है। कपिल मिश्रा को कानम के वो सुरक्षा और दे दिया हारा हुआ एमएलए को, तो ये क्या देशभक्ति की बात कर सकता है? जो मासूम बच्चे आग जला दिया, मंदिर मस्जिद जलवा दिया, लड़ाई झगड़े गुजरात में कराया, दिल्ली में कराया, तो ये देशभक्ति की बात क्या कर सकता है? कि जो भी करना है न्यायालय को करना है, मगर हमने न्यायालय को वोट नहीं दिया था। शर्म नहीं आती है? झूठी सरकार है। सरकार को तो ये कहती हूँ, चूड़ियाँ लेके पहन के घर बैठ जाए। मैं चीफ जस्टिस से और मैं न्यायालय से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपका स्वागत करती हूँ और सम्मान करती हूँ और आपके आज्ञा का पालन करूंगी, मगर आप भी मेरी सुन लीजिए। आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आपका सम्मान करती हूँ और आप अच्छा ही न्याय देंगे, जो भी देंगे, आप पे विश्वास भी करती हूँ और आप पे उम्मीद भी टिकी है कि जो भी करना है न्यायालय को करना है, मगर हमने न्यायालय को वोट नहीं दिया था। मैंने वोट दिया था बीजेपी सरकार को, हमने मोदी जी को। तो मोदी जी से आप कृपा करके फटकार लगाइए। अगर आप हमें रोक सकते हो तो आप मोदी सरकार को भी फटकार लगा सकते हो कि ये काला कानून बिल को वापस ले लो। तो फिर सांसद में जो महिला बैठी उनको उनको घर में बैठ जाए, उनको क्यों सांसद में घसीटे घूम रहे हो? सीतारमन को घर में बैठा दो, उनसे बर्तन मंजवाओ, रोटी बनवाओ, वो क्या महिला नहीं है क्या? और हम अपने अधिकार के लिए मांगने जा रहे तो हम रोटी बर्तन चौका करें? हम अपने बच्चों के साथ नहीं अपना अधिकार मांग सकते हैं? हेमा मालिनी, हेमा मालिनी कभी सुना था? आज वो हेमा मालिनी नहीं है, समझ रहे हो? उसको मैं नहीं जानती, वो है कौन? वो भी बर्तन चौका करे जाके, ठीक है, उसकी कोई औकात अब नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे। हेमा मालिनी के घर में भीख मांगने नहीं जाती हूँ। उससे कहते हैं अपनी औकात में रहे, अपना मुंह बंद करके बैठ जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप एक महिला हैं, आप कितने दिनों से इस प्रदर्शन में आ रही हैं? जब से हमारे भाई बाप बैठे तब से हम बैठी हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आप एक महिला होने के नाते प्रदर्शन में आना कितना कठिन है या कितना सरल है? बहुत कठिन है। हमें क्या नाम के, आपको पता है, देखो इधर जीडीपी गिरी चुकी है, इधर क्या नाम के बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, और इधर हम अपना अधिकार के लिए बैठे हैं। हम न्यायालय का इंतजार करते हैं कि न्यायालय हमारे साथ आए, हमारा समर्थन करे और कृपा करके ये काला कानून बिल वापस ले। वो सिर्फ रोक लगा रहा है, इस पे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? रोक क्यों लगा रहे न्यायालय? हम संतुष्ट तो जब होंगे जब हमें न्याय मिलेगा। हमें न्याय नहीं मिला तो हम संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? अच्छा। बताइए। और हमने एक बात और सुना है ये आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कि वो ये कहते हैं कि सब लोग जो है ये लोग अपने घर जाएं, बेइज्जती हो जाएगी। अरे भारत वासियों ने जो वोट दिया है तो बेइज्जती हो जाएगी लाल किले जाने में। हम एक तिरंगा लेके जाएंगे और तुम्हारी नाक कट जाएगी क्या? अकेले झंडा लहरा लोगे तुम? हम देशवासी नहीं है क्या? हम क्या नाम तुमको वोट नहीं दिया है क्या? हमने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया क्या? तो क्या मेरा राइट नहीं बनता है क्या हम तिरंगा लेके जाएं? तो फिर महिलाओं को और बच्चों को और क्या नाम बुजुर्गों को क्यों मना किया जा रहा है? क्या कारण? इनकी नीतियाँ खराब है क्या? नहीं, वो तो ये चाह रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, बुजुर्गों की सुरक्षा। तो सुरक्षा तो प्रधानमंत्री करता है ना। हाँ। वो चाहे दुर्दशा कर दे, चाहे लाठी चलवा दे। हाँ। और चाहे गोली चलवा दे। हाँ। और चाहे क्या नाम के बदनाम कर दे लेडीजों को कि 100-500 में आती कि 1000 में आती, वो तो प्रधानमंत्री के ऊपर है भाई। हमने तो वोट दिया था, प्रधानमंत्री बनाया था, तो सुरक्षा करना प्रधानमंत्री का काम है। वो सुरक्षा कर तो रहे हैं मैम, देखिए कंगना रनौत की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं वो। कंगना उनकी खास है। अच्छा। और कोई महिला नहीं है क्या जो हम अपना इंसाफ मांग रहे हैं? हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाया। हाँ। एक चौकीदार को बनाया, एक फकीर को बनाया, उसको मैंने हवाई जहाज दिया, तो क्या कंगना ने दिया था क्या? ये सब हमने दिया था उनको, सारी जनता ने दिया था, हमारी देश की जनता ने दिया था। तो एक कंगना उनकी पर्सनल कैसे हो सकती है? क्या कारण है, क्या रीजन है? ये तो है। रीजन क्या है? हाँ। स्टार और स्टार नहीं है क्या? और स्टारों को तो वहाँ बंद कर दिया है, उनको बदनाम कर दिया है। हाँ। वो क्या जाने, जिसकी जो अपनी बीबी का सम्मान नहीं कर सकता है वो महिला सम्मान क्या जाने? और भी महिलाएं सब पे आरोप लगाता गया, एक कंगना इसकी खाक पर्सनल क्या है?
हम यही समझना चाहते हैं मोदी जी कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है कि कंगना को बॉडीगार्ड क्यों दिए गए भाई, कंगना को सुरक्षा क्यों की गई? झांसी की रानी एक बात सुनो, उस फकीर हवाई जहाज में बैठ गया, उद्योगपति में बैठ गया, ये झांसी की रानी, इसकी औकात इतनी भी नहीं है कि ये एक झांसी की रानी ये अधिकार की लड़ाई लड़ेगी? इसने कितने लोगों को लड़ाई करवा दिया है, ये झांसी की रानी बन सकती है? अरे इसको शर्म आनी चाहिए जो 500-500 रुपए में एक औरत होके औरतों को बता रहे कि दिहाड़ी में 100-100 में आती है। अरे हम उससे ये कहते हैं ना कि अरे अब मैं क्या आपसे कहूँ कि ये झांसी की रानी बन सकती है, ये झांसी की रानी के नाम पे धब्बा है। देशभक्त नहीं है, मोदी भक्त है, अमित शाह भक्त है, योगी भक्त है, देशभक्त नहीं है, देश में तो झगड़े कराने में लगी है। खट्टर ने डंडे बरसवाए, लाठी बरसवाए, हाँ। खट्टर तो कह रहे कि हमला हुआ है, किसानों ने हमला किया, हमला तो इन्होंने करवाया है। कैसे इनके गुंडे जो घूम रहे हैं, जगह हाँ। जगह इनके भक्त घूम रहे हैं, उन लोगों ने किसान को परेशान किया है। किसान भाई साधारण रूप पर दिल्ली में भी बैठे हैं, हर जगह जगह बैठे हैं कि अपना साधारण रूप पर वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वो उन पर डंडे लाठी बरसवा रहे हैं। शर्म नहीं आती है, झूठी सरकार है, हर एक पर आरोप लगाना, जो अधिकार मांगता है वही आरोप लगाना, तानाशाही दर्शाते हैं, तानाशाही करते हैं। और ऐसी सरकार को तो बिल्कुल धिक्कार देना चाहिए, धुतकार देना चाहिए और इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये योग्य नहीं है प्रधानमंत्री के। और मैं ऐसी सरकार को तो ये कहती हूँ चूड़िया लेके पहन के घर बैठ जाइए। सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय बहुत अच्छा न्याय करेगी। और मैं उनसे बस यही कहती हूँ कि इन लोगों के कहने में झांसे में ना आए, सुप्रीम कोर्ट कृपा करके किसान समर्थन में आ जाए। अपने भारत में जो जीडीपी गिर रही है और जो किसान भाई लूट गए, बर्बाद हो गए, कृपा करके न्यायालय इनका सम्मान हम इनका करें, इनका सहयोग करें, इनका साथ करें, इनका मदद करें। हम न्यायालय से ये गुजारिश करती हूँ कि इसको धुतकार दो, इसको फटकार दो, बीजेपी भाजपा सरकार को बोलो कि ये छोटे छोटे बच्चे और ये क्या महिलाएं और ये सब किसान भाई पड़े हैं, आज जो अन्न देवता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं जिसका हम अन्न खाते हैं। तो मैं न्यायालय से हाथ जोड़ के विनय करती हूँ कि कृपा करके हमारा साथ दें। किसान को समझ में नहीं आ रहा तो अगर इसमें हिम्मत है तो यहाँ के बोले आके ना आए हमारे पास, हम जवाब तो देंगे। जाती तो है खेतों में जाती है, दिखाने जा रही है, दिखावा करने आ जाए, हमारे घर में आ जाए, वहाँ किसान में जाते हैं, हम भी एक महिला है, हम भी परेशान है, हमारे भी हाथ टूटे, आ जाए बर्तन मांज लो आके। किसान में इतनी समझ है कि किसान ने पूरे देश में अन्न दिया है, अगर दिमाग नहीं है और समझ नहीं है तो ऐसी फसल खाती है? पूछो हेमा मालिनी से कि किसान में अगर दिमाग नहीं है और अगर किसान में कुछ समझ नहीं है तो उसका अन्न ऐसे ही खाती है, ऐसे ही अन्न खा के बड़ी हुई है? इसके बाप ने अन्न लगाया है क्या, इसके बाप ने अन्न दिया है क्या हेमा मालिनी के, जो किसानों को ऐसे बोलती है? किसानों को बहुत समझ है, इसके समझ नहीं है? और समझ नहीं तो आके समझावा के आओ, हिम्मत हो तो समझा दो आके, हम बताएंगे तुम्हें, आ जाओ। ये देश का विनाशी है, देश भक्ति तो वो है मोदी भक्त, देश भक्त को हम लोग हैं। आपस में जो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको कहते हैं देश भक्त। और जिस लुटेरे को, जिस चाय वाले को, जिस फकीर को मैंने प्रधानमंत्री बनाया वो देश भक्त नहीं, देश विनाशी है। देश में तुम देख रहे हो ये जब से सरकार आई कितनी देते हो गई, चांदबाग में कितनी मौतें हो गई, वो कपिल मिश्रा को जो गलती करके गया, भरी सभा में करके गया, उसको कोई सजा नहीं दिया है। आज कपिल मिश्रा को कानम के वो सुरक्षा और दे दिया, हारा हुआ एमएलए को है, तो ये क्या देश भक्ति की बात कर सकता है? जो मासूम बच्चे आग जला दिया, मंदिर मस्जिद जलवा दिया, लड़ाई झगड़े गुजरात में कराया, दिल्ली में कराया, तो ये देश भक्ति की बात क्या कर सकता है? ये देश भक्त क्या करेगा बताइए? आप हमारे चैनल के थ्रू जनता से क्या बताना चाहेंगे, देशभक्ति होती क्या, क्योंकि 26 जनवरी भी आ रही है तो लोगों को आप क्या सकते? जनता को तो पता है कि मोदी भक्ति हो रही, देशभक्ति हुई नहीं रही, जनता को हम क्या बता सकते हैं? बस जनता को ये बता सकते हैं कि बस आने वाले समय पे इसको ये दिखा देना है कि जो ये महिलाओं का अपमान कर रहा है कि 100 रुपए में आ रही कि 500 में आ रही, या महिलाओं पे लाठी चार्ज कर रहा है, या छात्रों पे लाठी चार्ज कर रहा है, या किसानों भाई पे आरोप लगा रहा है, या बौछारे कर रहा है, तो ये सब समझदार है, ये अपनी बात को जरूर समझेंगे, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।